नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आज से 10 दिन पहले अजरबैजान जिस ताकत के बल पर आर्मेनिया पर टूटा था, अब हर बीते दिन के साथ वह ताकत कमजोर हो रही है। आर्मेनिया ने जिस अंदाज में इस मदरसा मुल्क को जवाब दिया है, उसने अजरबैजान और उसके हितेशों को घुटनों पर ला दिया है। हालत यह है कि मुल्लाओं के तबेले में अड़कम बचा है और झूठे दावे करके बिस्मिल्ला किया जा रहा है। 27 सितंबर को तुर्की की सह पर अजरबैजान ने नागोर्नो कारबाख पर चढ़ाई की थी। तब आर्मेनिया की खुफिया एजेंसी यह पता लगाने में नाकाम रही कि अजरबैजान उसके खिलाफ कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। आर्मेनिया किसी भी तरह से संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। अजरबैजान ने आर्मेनिया की ढील का फायदा उठाते हुए अपनी मुल्लागिरी वाली चाल चल दी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि शुरुआत के 4 दिनों में आर्मेनिया की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। आर्मेनिया को अपने सैनिक और नागरिक भी गंवाने पड़े। साथ ही उसकी बड़ी तादाद में टैंक, तोप और हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो गए। मगर बीते 5 दिन से आर्मेनिया इस मुल्ला देश पर कहर बनकर टूटा है। जहां शुरुआती 3 दिनों में आर्मेनिया ने 150 सैनिक गंवाए थे, वहीं उसने अजरबैजान के 3 तारीख के बाद से 3190 सैनिकों को हुरों की खोज में भेज दिया है। साथ ही अजरबैजान के 4 महत्वपूर्ण शहरों के हजारों मुल्लाओं की भी हुरों के दरवाजे पर लाइन लगा दी है। अजरबैजान के 110 टैंक, 8 हेलीकॉप्टर, 4 प्लेन और 3 एयर डिफेंस सिस्टम भी आर्मेनिया ने पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। जिन इलाकों को अजरबैजान ने कब्जाया था, आर्मेनियाई सेना ने उन्हें मुक्त कराकर वहां अपने देश का झंडा फहरा दिया है। नागोर्नो कारबाख पर आर्मेनिया अपना कब्जा मजबूत करता जा रहा है। हालांकि अजरबैजान के राष्ट्रपति इलाम अलीयेव अपनी बढ़त का दावा करने में लगे हैं, पर खबर यही है कि वे अपनी जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अजरबैजान के आर्मेनिया पर शुरुआत में हावी होने के पीछे उसके द्वारा आर्मेनिया पर किया गया हमला था। उसने छुपकर वार करने और पीठ में छुरा घोंपने की मदरसा नीति का इस्तेमाल किया था, जिससे आर्मेनिया को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। मगर आज की घड़ी बहादुर देश अजरबैजान पर कहर बनकर टूट रहा है। आर्मेनिया की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने लड़ाई वाले क्षेत्रों से काफी दूर अजरबैजान के गांजा और मिनगेचिविर शहरों में भारी तबाही मचाई है। यह दोनों शहर नागोर्नो कारबाख की राजधानी स्टेपना कर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर है। बड़ी बात यह है कि आर्मेनिया ने गांजा में स्थित एक सैन्य अड्डे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इसमें अजरबैजान के 150 से ज्यादा मुल्ला जवान हुरों की खोज में भागे हैं। इसमें 4 पाकिस्तानी लड़ाकों के निपटने की भी खबर है। आर्मेनिया ने इस अड्डे को अपने रॉकेटों से नेस्तनाबूद किया है। गांजा अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आज इस शहर में खंडित इमारतें और उड़ते धुएं के गुब्बार आर्मेनिया के प्रहार की ताकत को बयान कर रहे हैं। इसी शहर के जिस सैन्य हवाई अड्डे से आर्मेनिया को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, वह भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। स्थिति यह है कि अकेला आर्मेनिया एक साथ 3-3 मुल्लाओं देशों पर भारी पड़ रहा है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुसन स्टेपेनियन के मुताबिक अजरबैजान को दुगनी ताकत से जवाब दिया जा रहा है और एक ही दिन में उनके 3 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है। नागोर्नो कारबाख के अधिकारियों का कहना है कि उनके पक्ष के भी 200 सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि 22 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। परंतु इस वक्त अजरबैजान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे अजरबैजान की सेना में भगदड़ की स्थिति है। नागोर्नो कारबाख के जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया था, वे उन्हें छोड़कर पीछे भाग रहे हैं। अजरबैजान अपनी पराजय की हताशा में दुनिया भर में प्रतिबंधित क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर उतर आया है। क्लस्टर बम अपने आप में बहुत से बमों का एक गुच्छा है, जो लड़ाकू विमानों के साथ जमीन से भी चलाया जाता है। अंदर मौजूद बमों को गिराने से पहले क्लस्टर बम मीलों तक उड़ सकता है। जब वो जमीन से 1000 से 100 मीटर के बीच होता है, क्लस्टर बम का आवरण घूमता है और उसमें मौजूद बम एक बड़े एरिया में गिरने शुरू हो जाते हैं। इन बमों के फटने पर 25 मीटर दूर तक लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस बम पर 2010 से ही पूर्ण प्रतिबंध है। दुनिया के 106 देशों ने इसका अनुमोदन किया है, जबकि 108 देश इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अजरबैजान ने भी क्लस्टर बम के रोक लगाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। खास बात यह है कि इसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे बड़े सैन्य रूप से ताकतवर देश शामिल नहीं है। अजरबैजान ने इस जंग में जिनेवा समझौतों की जमकर धज्जियां उड़ाई है, मगर बावजूद इसके उसकी हालत लगातार पस्त पड़ती जा रही है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी है, अजरबैजान का गोला बारूद कम पड़ने लगा है, जबकि आर्मेनिया को ईरान के रास्ते सैन्य मदद दुगनी गति से पहुंच रही है। खबर तो यह भी है कि ईरान भी आर्मेनिया की मदद कर रहा है। रूसी वाहन ईरान के रास्ते ही आर्मेनिया तक सैन्य सहायता पहुंचा रहे हैं। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान के भरोसे जंग में उतरे अजरबैजान के बर्बाद होने में गिनती के दिन ही बचे हैं। आर्मेनिया ने रणनीतिक से लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर उसे बहुत पीछे धकेल दिया है। आर्मेनिया यह बताने में कामयाब रहा है कि उसकी लड़ाई मुसलमान आतंकियों के खिलाफ है। अजरबैजान सीरिया और पाकिस्तान के खूंखार आतंकियों को अग्रिम मोर्चे पर भेज रहा है।
आर्मेनियाई सेना इन मुसलमान आतंकियों का डटकर मुकाबला कर रही है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने आर्मेनिया का पक्ष मजबूत करने के लिए अजरबैजान में पाकिस्तान और सीरिया के मुसलमान आतंकियों के बारे में जोर शोर से प्रचारित किया है। इससे तुर्की समेत पाकिस्तान की जमकर छिछालेदार हो रही है। साथ ही अजरबैजान के पक्ष में इस्लामी राष्ट्र भी खुलकर सामने नहीं आए हैं। ईरान के शिया मुल्क होकर भी शिया अजरबैजान से दूर छिटकने के पीछे यही बड़ी वजह मानी जा रही है। ईरान की सीमा पर सालों से पाकिस्तानी मुसलमान आतंकी हमले करते रहे हैं। ईरान काफी समय से इन्हीं आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। खास बात यह है कि आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने हेतु सीरिया और पाकिस्तान से भेजे गए मुसलमान दहशतगर्द सुन्नी समुदाय से आते हैं। ये लड़ाके सीरिया, इराक, ईरान और पाकिस्तान में शिया समुदाय का नरसंहार करते रहे हैं। ऐसे में यह बेमेल खिचड़ी ईरान को बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान में कहीं ना कहीं डबल गेम खेल रहे हैं। अगर अजरबैजान तबाह होता है तब भी उनकी पांचों उंगलियां घी में ही रहने वाली है, क्योंकि तुर्की सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य मुल्क है और शिया मुसलमानों को अपना कट्टर शत्रु मानता है, जबकि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर शिया मुसलमानों का सफाया होता रहा है। परंतु तुर्की के उकसावे में आकर अजरबैजान अपनी बर्बादी की पटकथा लिख चुका है। इजराइल ने भी अजरबैजान की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अजरबैजान से उसके रिश्ते किसी तीसरे देश को लेकर नहीं है। अजरबैजान से उसके संबंध कूटनीति और व्यापार तक ही सीमित है। इसका मतलब यही है कि इजराइल तटस्थ की भूमिका में आ गया है। अब अजरबैजान कहीं ना कहीं बैकफुट की ओर बढ़ रहा है। आर्मेनिया के समर्थन में फ्रांस, रूस, अमेरिका और ईरान के आने से माहौल पूरी तरह आर्मेनिया के पक्ष में आ गया है। ओआईसी के सदस्य देशों ने भी अपने कदम वापस खींच लिए हैं। 28 सितंबर को अजरबैजान के समर्थन में बयान देने के बाद उन्होंने भी अपने ऑटो पर ताले जड़ दिए हैं, जबकि तुर्की अभी भी दाड़ रहा है। हालांकि फ्रांस की चेतावनी के बाद तुर्की की सिट्टी पिट्टी गुम है, पर बावजूद इसके वे अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। फिलहाल आर्मेनिया ने अजरबैजान में भयंकर तबाही मचा रखी है। रूस से मिली सैन्य सहायता से उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। आर्मेनिया के पिछड़ने की उम्मीद अब पूरी तरह आसिया पर चली गई है। अगर तुर्की ज्यादा ताकत से अजरबैजान के लिए मैदान में उतरा तो फिर फ्रांस और रूस तैयारी करके बैठे हैं। यह दोनों ताकतवर मुल्क जंग में उतरे तो महायुद्ध होना भी तय है, और महायुद्ध हुआ तो मुल्लाओं की पुंगी बजना भी तय है। इनकी पुंगी बजी तो हूरों के तबेले में खलबली भी अवश्य मचेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।